तो अब तक तो आप लोग को सभी बंदों को पता चल ही चुका होगा कि हम लोगों का जो प्यारा फ्री फायर है वो अब बैन हो चुका है। यानी कि अगर आप लोग अभी फ्री फायर को प्ले स्टोर पर सर्च करोगे तो अभी हम लोगों को वो गरेना फ्री फायर देखने के लिए नहीं मिलने वाला है, लेकिन हम लोगों को जो हमारा गरेना फ्री फायर मैक्स है वो हम लोग को अभी तक देखने के लिए मिला है। बाकी गवर्नमेंट ने इसके बारे में कॉन्फर्म कर दिया है कि हम लोगों को टोटल 54 चाइनीज ऐप बैन कर दिए गए हैं, जिसमें सबसे लास्ट में आप ये देख ही सकते हो कि इस वाले लिस्ट में सबसे लास्ट में फ्री फायर का नाम भी है। अब बहुत सारे बंदे मुझसे ये भी पूछेंगे कि भाई फ्री फायर तो चाइनीज ऐप नहीं है, लेकिन ये क्यों बैन हुआ, तो मैं इसके बारे में आप लोगों को फुल डिटेल के साथ बताने वाला हूं। तो इसका मेन रीजन ये है कि हम लोगों का जो फ्री फायर है उसकी जो पेरेंट कंपनी है वो तो गरेना है, लेकिन उस कंपनी का जो 25% शेयर है वो टेंसेंट गेम्स का है। और ये जो टेंसेंट कंपनी है वो एक चाइना की कंपनी है, यानी कि ये वही कंपनी है जिसने हम लोगों का जी को बनाया है। तो इसीलिए हम लोगों का जो फ्री फायर है इसी 25% शेयर के होने के चलते हम लोग का फ्री फायर भी बैन हुआ है, लेकिन अभी तक हम लोग का जो गरेना फ्री फायर मैक्स है वो बैन नहीं हुआ है, क्योंकि इसका 100% शेयर ओनली गरेना के पास है। यानी कि ये सिर्फ फ्री फायर का ही ये फ्री फायर मैक्स है, इसका 0% शेयर हम लोग का टेंसेंट के पास है, इसीलिए फ्री फायर मैक्स बैन नहीं हुआ है और ये ना कभी बैन होने वाला है। बाकी इसके बारे में अगर मेरे को कुछ भी और पता चलेगा तो मैं आप लोग को वीडियो बना के सबसे पहले बता दूंगा, और यही कारण था कि हम लोग को जो फ्री फायर भी है वो भी इस लिस्ट में शामिल है। बाकी आज की इस वाली वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं किसी और न्यू वीडियो में किसी और न्यू फ्रेश टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।